यह है पटना का ज्ञान भवन, जहां पिछले दिनों पटना आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। तो अगर आप इस महोत्सव में भाग नहीं ले पाए हो, नहीं देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। इसमें सभी किस्मों को हम दिखाने का प्रयास किए हैं। तो नमस्कार, मैं नीरज अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं इस महोत्सव में। तो सबसे पहले यहाँ पर खास आमों को बेचा जा रहा था बहुत ही सही दाम पर, जिसमें जर्दा, मालदा, बम्बई, गुलाब खास आदि आम थे, जहाँ बेचा जा था सबसे अच्छा कीमत पर, 100 से लेकर 200 रुपया तक। और इसमें यहाँ इस स्टॉल पर सबसे खास लगा मुझे मद्रासी बम्बई, जो ये देखें आप, ये मद्रासी बम्बई जो 200 रुपये किलो था। बम्बई आम तो हरा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर आ गया था, तो ये विकसित किया गया होगा मद्रास का कोई वैरायटी को लेकर के। तो ये मद्रासी आम बम्बई खास मुझे नज़र आया यहाँ पर अलग। इसके अलावा आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। ये कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा का प्रदर्शित स्टॉल था, जिसमें आम के विशेष उत्पाद और विभिन्न रंगीन किस्मों को अभी प्रदर्शित किया गया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टॉमी एटकिंस, इरविन, और यहाँ हाइब्रिड किस्म जो विकसित किया जा रहा है, H26, जिसका भी नाम नहीं दिया गया है, और H16, जिसका भी नाम नहीं दिया गया है। इसी तरह से और भी पीछे इसके द्वारा विकसित आमों का वैरायटी प्रदर्शित किया गया था। ये जर्दालू आम बिहार का बहुत ही फेमस आम, और इसी तरह से लंगड़ा इस सभी स्टॉल बगल में दाएं देख रहे होंगे, और इस तरह से सिंधु, सबरी और भी विशेष आम जो इसके द्वारा विकसित किया गया था, जवाहर, ये सब प्रदर्शित था यहाँ पर पीछे। इसके साथ साथ आमों का विशेष व्यंजन को भी प्रदर्शित किया गया था, जिसका लोग लुत्फ ले रहे थे, खाने का लुत्फ ले रहे थे, जिसमें आम का कलाकंद, आम कलाई, दही पूड़ी, पापड़ी, ये सब, और आम का जैम, शरबत, ये सब भी का भी स्टॉल लगा हुआ था। इसके साथ साथ आमों को बेचा भी जा रहा था। ये आप दिघा देख रहे होंगे, दिघा मालदा का, दुधिया मालदा, जो अब दिघा में जिसे दूध से पटाया जाता था, वो अब खत्म होने के कगार पर है, वही दिघा मालदा। इसके साथ साथ ये यहाँ पर एक स्टॉल पर आम से बने हुए कलाकारी को भी प्रदर्शित किया गया था। और जब ऐसे प्रदर्शनी बड़ा ही खास होता है, जहाँ पर लोग देखें दोस्तों, यहाँ पर दुधिया मालदा है, खरीद, ये दुधिया मालदा है जो आप पूरे विश्व में पेड़ को छा रहा है अपने स्वाद और खुशबू की वजह से। और जर्दा भी बिहार का ही है, मोतिहारी तरफ का, जो ये भी अपना अलग पहचान बनाते जा रहा है पूरे विश्व में अपने स्वाद और खुशबू का अलग टेस्ट। और ये था भागलपुर का दुधिया मालदा, भागलपुर से आया हुआ था। तो यहाँ पर लोग अच्छे दामों में खरीद रहे थे। तो ऐसा जब प्रदर्शनी लगता है, महोत्सव लगता है, तो लोगों को अच्छा आम, सही क्वालिटी, सही वैरायटी का और सही आम खरीदने को मिलता है, जानने को मिलता है, देखने को मिलता है। और यह दुधिया मालदा ही था जो बड़ा ही पकने की तैयारी में था, ध्यान खींच रहा था मेरा। और गुलाब खास भी था जो पैकेट में मिल रहा था, ये दुधिया मालदा जर्दा जो पकने पर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से लोग गुलाब खास भी खरीद रहे हैं। ये गुलाब खास बड़ा ही सुंदर, देखने में मनमोहक गुलाब खास का लोग पैकेट खरीद रहे थे। यहीं पर आमों को बेचा भी जा रहा था। तो ये अल्फांसो आम था और ये केसर आम है, जिसे लोग यहाँ से खरीद भी सकते थे। और ऐसे प्रदर्शनी में सही आम ही बेचा जाता है सही कीमत पर, भले ही कुछ दाम ज़्यादा हो। तो ये देखें आप, यहाँ पर
मियाजाकी आम का पौधा ये है पेड़। इसी तरह से खास खास आम को भी बेचा जाता है, बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा वैरायटी को। जो ये मियाजाकी आम जो है 2000 रुपया का पेड़ था, जो सबसे महंगा मियाजाकी, आप सुनते होंगे यूट्यूब पर देखते होंगे कि लाख रुपए किलो, ऐसे किलो ऐसे किलो, तो यह है मियाजाकी। वैसे ही ये वही मियाजाकी आम का पौधा था जो यहाँ पर 2000 रुपये का था। और इसी तरह से हनी ड्यू और भी खास खास वैरायटी का था जिसे आप खरीद सकते थे यहाँ पर। अच्छा, तो इस ऐसे जगहों से ख़रीदा जा सकता है पेड़ को जहाँ पर गलत होने का संभावना बिल्कुल ही नहीं होता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रदर्शनी में जो शोरगुल होता है लोगों के भीड़ की वजह से, तो यही वहाँ पर शोरगुल है। और यहाँ पर सभी आमों, गुलाब खास आप देख रहे होंगे, गुलाब खास है, इसी तरह से सभी आम प्रदर्शित किए गए थे। तो अब मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, ये रानी पसंद है। रानी पसंद सुर्ख वर्मा, ये जो विकसित किया गया है कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, सुंदर प्रसाद ये भी विकसित किया हुआ है। ये जर्दा बहुत मशहूर वैरायटी जो विश्व में छा सकता है आने वाले दिनों में। ये बम्बई देखिए, बम्बई कितना बड़ा है, कितना बड़ा बम्बई है, कितना बड़ा बम्बई। गोपाल भोग, यह गोपाल भोग है। हम पत्तों को भी देखते हैं क्योंकि पत्तों से ही पहचाना जा सकता है। और ये प्रदर्शनी का पीछे में शोर है वीडियो में, गोपाल भोग है। ये देखिए, यह हिम सागर है जो बंगाल का बड़ा ही फेमस वैरायटी है। बंगाल में ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ही आम हिम सागर है, जो बड़ा ही स्वादिष्ट आम है। बंगाल के लोग इसे छोड़कर दूसरा आम खाना पसंद नहीं करते हैं, जो इतना मशहूर है बंगाल में। तो यही वह हिम सागर है। और यह कृष्णभोग आम है जो कच्चा में भी मीठा लगता है, बड़ा ही पुराना वैरायटी जिसे पुराने लोग भी जानते हैं कृष्णभोग, वही जो कच्चा आम में भी मीठा लगने वाला आम। अमन इब्राहिम पुरी देखिए, कृष्णभोग कितना बेजोड़ है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से यह वीडियो आपके लिए बनाए हैं। तो अगर पसंद नहीं भी आ रहा हो तो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ क्या नहीं पसंद आया या क्या इसमें गलती था। और मेरे
वीडियो को जरूर अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये देखिए अल्फांसो आम, बड़ा ही नंबर वन मैंगो, बहुत ही फेमस, देश विदेश में निर्यात होने वाला, विदेशों में निर्यात होने वाला वही अल्फांसो आम। इस स्टॉल पर आम की मध्य अवधि का की किस्मों का प्रदर्शित किया गया था, जिसमें अल्फांसो है, दशहरी है। दशहरी को तो भारत का नंबर वन आम कहा जा सकता है। ये हुस्नारा है, ये सब मध्य अवधि कालीन किस्म, अबे हयात है, खासलू खास है, बेनजीर आम। इसी तरह अन्य किस्मों, रंगीन आम जो था जिसका नाम नहीं दे पाया था लोग, प्रदर्शनी वाले नाम नहीं दे पाए, और सीधे लिद्यान किस्म। ये देखें बड़ा ही सुंदर किस्म, और यह एक व्यू है प्रदर्शनी में लोगों को देखते हुए, यही जो निदिश। और ये पिछात किस्म है अफाजली, जो अल्फांसो और फजली को मिला के विकसित किया गया है कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, ये अफाजली। और ये फजली जिससे मिलाकर अल्फांसो और फजली को मिला के बनाया गया था। आप पीछे पीछे देखे होंगे अल फजली, ये सुकुल है, पिछात वैरायटी है। तो इसमें पिछात वैरायटी जितना भी है, सुकुल हुआ, सीपिया हुआ, ये प्रदर्शित किया गया। देखें सीपिया, ये सब बिहार का वैरायटी है सीपिया, तैमूरिया और चौसा, जिसे कौन नहीं जानता। पिछात वैरायटी बड़ा ही स्वादिष्ट, सुंदर, मनमोहक होता है, पकने पर पीला हो जाता है, यह भी पका हुआ नहीं है यह चौसा। और ये पिछात वैरायटी रंगीन किस्म में काफ़ी अभी विकसित किया गया। तो नमस्कार, मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।